जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जीतने वाले एक जरूरी काम को अलग ढंग से करते हैं और वो उस काम को करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी जिंदगी में करना नहीं चाहते। जीतने वाले काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी भी करना नहीं चाहते। ऐसा कौन सा काम है जो हारने वाले कभी जिंदगी में करना नहीं चाहते? वही काम जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन काम कर करके काम करने की आदत बनाते। हारने वाले सुबह उठना नहीं चाहते, जीतने वाले भी सुबह नहीं उठना चाहते, लेकिन फिर भी उठ उठ के सुबह उठने की आदत डालते हैं। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, साहब जीतने वाले भी मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन मेहनत कर करके वो मेहनत करने की आदत डालते हैं। जीतने वाले उस काम को करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले उस काम को करने की आदत कभी नहीं बना पाते। अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से चरित्र बनता है। अगर मेरी आदतें अच्छी हैं, मेरा चरित्र अच्छा है, मेरी आदतें बुरी हैं, मेरा चरित्र बुरा है। 90% जो हमारा व्यवहार है इट इज हैबिचुअल, आदतन है ये। अच्छी आदतें मुश्किल से आती है, लेकिन उसके साथ जीना आसान हो जाता है, और बुरी आदतें आसानी से आती है, लेकिन उसके साथ जीना मुश्किल हो जाता है। जब तक हम आदत को पकड़ते हैं, आदत हमको पकड़ चुकी होती है। आपने सुना होगा कि ये बंदा मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो सोना बन जाता है, और किसी के बारे में आपने सुना होगा कि अरे ये तो सोने को भी हाथ लगा दे तो मिट्टी बन जाता है। इसकी तो किस्मत अच्छी है, मिट्टी को भी अगर हाथ लगा देता है तो सोना बन जाता है। आप उसकी जिंदगी को जाकर परखें, उसकी जिंदगी का एनालाइज किया जाए तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव बिहेवियर एक आदत सी बन चुकी है। जब भी काम करता है ठीक करता है, जब भी काम करता है ठीक करता है, होता ही ठीक है क्योंकि आदत सी बन पड़ी है। 90% इज हैबिचुअल, इसके रिफ्लेक्शन ठीक मूव करते हैं। और जिसको आप कहते हैं कि उसकी किस्मत खराब है, सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाता है। एनालाइज करें उसकी जिंदगी को, निगेटिव बिहेवियर एक आदत सी बन चुकी है। जब भी काम करता है गलत होता है, जब भी काम करता है गलत करता है, होता गलत है क्योंकि इसकी आदत गलत पड़ चुकी है। इट हैपेंस रॉन्ग। गरीब लोगों को काम करने में मजा नहीं आता, अमीर लोगों को भी काम करने में मजा नहीं आता, लेकिन वो काम करके काम करने की आदत डालते हैं। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन, इनकरेक्ट सेंटेंस है सर। अभ्यास से निपुणता नहीं आती, सिर्फ सही अभ्यास से ही निपुणता आती। कुछ लोग अपनी गलतियों का ही अभ्यास करते रहते हैं और गलतियां करने में निपुण हो जाते हैं। प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट व्हाटएवर यू प्रैक्टिस। सर अभ्यास से निपुणता नहीं आती है, अभ्यास से वही चीज अस्थाई हो जाता है जिस चीज का अभ्यास करते हैं। You must be positive attitude in your reflection. Positive behavior को एक reflect action में लाना है। हमेशा positive thought रखना है, तभी आपका reflection right हो पाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि जो भी नए वीडियो डालो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत है।